टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए बहादुरगढ़ के राहुल ने रेस वॉकिंग में सिल्वर मेडल हासिल कर ओलंपिक कोटा हासिल किया है। राहुल का सपना अब 7 साल बाद पूरा होने जा रहा है। सात साल की कड़ी और थका देने वाली मेहनत के बाद आखिरकार वो सुकून का पल आ ही गया जिसे राहुल ने सपनों में देखा था। बहादुरगढ़ की इंदिरा पार्क कॉलोनी में रहने वाले राहुल रोहिल्ला को रेस वॉकिंग में ओलंपिक का टिकट मिल गया है। राहुल के साथ ही महेंद्रगढ़ के संदीप ने भी रेस वॉकिंग में ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में एक साथ हरियाणा को 2 ओलंपियन मिल गए हैं। राहुल ने हाल ही में झारखंड के रांची में हुई 4th इंटरनेशनल और 8th ओपन रेस वॉकिंग में 20 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट और 26 सेकंड में पूरी की। राहुल ने सिल्वर मेडल के साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट हासिल किया है। अब राहुल की निगाह ओलंपिक मेडल पर है। 2021 में अभी दोबारा फिर कोरोना के महामारी के बाद 2021 में रांची में हुआ 8th इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप और 8th नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप थी और इसमें मेरा फिर सिल्वर मेडल आया और इसमें 1 घंटा 20 मिनट 26 सेकंड का मैंने समय निकाला और इसमें मेरा ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक क्वालीफाई के लिए सेलेक्ट हो गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेरा क्वालीफाई हो गया है। राहुल ने भीम अवार्डी चरण सिंह के पास साल 2013 में रेस वॉकिंग की शुरुआत की थी। राहुल के पिता इलेक्ट्रिशियन हैं और मां गृहिणी हैं। पिता घर में ही छोटी सी दुकान से परिवार का पालन पोषण करते हैं। गरीब घर के होनहार बेटे के सामने एक समय ऐसा भी आया जब उसने रेस वॉकिंग छोड़ दी थी, लेकिन देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने के सपने ने राहुल को सोने नहीं दिया। सर मैं 2016 में मैंने एक तरह से मैंने गेम बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि मैं अच्छे से गेम कर पाऊँ और मैं प्रॉब्लम थी कंडीशन इतनी नहीं थी कि मैं डाइट अच्छे से घर वाले अवेलेबल करा पाए। घर की पापा इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, इतना खर्चा नहीं निकाल पाते थे। 2 सिस्टर भी थी और साथ साथ मैं भी था, पापा मम्मी भी थी, तो नहीं था इतना अच्छे से बैक बैलेंस कि मैं गेम कर पाऊँ, तो एक तरह से छूट गया था। फिर मैं कभी कभी मेरा सपना था कि मैं मेरे कि मैं ओलंपिक खेलूँ अपने देश के लिए और मैं भी मेडल लेके आऊँ, पर वो सपना फिर मेरे को कभी कभी रात को सोने नहीं देता था, तो मैं सुबह जाता प्रैक्टिस करने के लिए। ओलंपिक का टिकट मिलने से राहुल की माँ और पिता बेहद खुश हैं। उन्हें भरोसा है कि उनका बेटा टोक्यो में होने वाली ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर ही आएगा। ऐसा जी जो परेशानी आई हुआ बच्चे को बताने नहीं दिया और कैसे भी करके मैंने इसको भेज दिया। आगे क्या बताऊँ, और मैंने इसके ऊपर कोई भरोसा भी पूरा था, अब ये मेरा बेटा कुछ करके ही दिखाएगा। जैसे कुछ मेहनत करता था ना तो इसका भरोसा हर चीज़ पे बना रहता था, कोई फालतू कोई किसी चीज़ का खर्च नहीं करता था। जो पैसे देती जो मैं बचा के इन्हें करता ले मम्मी चीज़ ला के देखो अगर तुम ही इसको रखो, कोई किसी चीज़ का नहीं किया इसने। और अपने जो इसने अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखा है इसकी मेहनत के ऊपर और ये इतना कामयाब लोग बना। हरियाणा के 2 बेटे टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। देश और प्रदेश दोनों को ही इन खिलाड़ियों से बेहद उम्मीदें हैं। अब इंतजार है तो उस पल का जब टोक्यो में भारत का परचम लहराएगा।